सो व्हाट इज अप गाइस, यू आर वाचिंग टेक कुशाल। मेरा नाम है कुशाल नागपाल। सो गाइस, एक और वीडियो आ चुकी है बैटल रॉयल मोबाइल इंडिया के अंदर, जो बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल होने वाली है और बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरी एंड तक देखना और बने रहना हमारे साथ, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ पबजी मोबाइल इंडिया या बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की ऑफिशियल लॉन्च डेट इस वीडियो में। अभी मजा आएगा ना वीडियो। सो गाइस, मजाक की बात साइड में, अब हम बात करते हैं कि मेन मुद्दे के बारे में, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। सबसे पहले बात भाई आती है, जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया वाले खुद आपसे कहना चाहते हैं कि भाई बैटल ग्राउंड इंडिया को पबजी कहना बंद कर दो। अब आप इसका वैलिड रीज़न भी दिया उन्होंने कि आप उनको पबजी क्यों ना कहो, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आपने उनको पबजी बोलने लगा, पबजी मोबाइल इंडिया बोलने लगे, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट उनको बैन वापस से कर दे। समझ रहे हो? क्या चाल चली है? हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको ग्रीन सिग्नल ना मिले हो, हो सकता है गवर्नमेंट उनको अलाउ ना कर रही हो, तो उन्होंने अपनी अलग ऐप निकाल दी। और गाइस, अलग ऐप तो निकाली है, उसके साथ 3600 प्रॉब्लम भी अपने साथ लेके आ रहा है, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। कुछ रिस्ट्रिक्शंस लेके आ रहा है सारे मामले, और सबसे बड़ी बात कि हम इसकी लॉन्च डेट भी इस वीडियो में रिवील करेंगे। रिवील क्या भाई, बता ही देंगे, क्योंकि ऑफिशियली लीक्स हो रहे हैं, ये भी कंफर्म्ड नहीं है, पर इसके आसपास ही होगी। इस उसका वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा और मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हमने इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें करी थी, इसलिए आपको हमारी पहली वीडियो देखनी पड़ेगी, जो मैं कार्ट में डाल रहा हूँ, इधर आ रहे होगा। सो गाइस, दिक्कतों के बारे में बात कर रहे थे, कुछ अंडर 18 वाले जो इधर लोग मेरे को देख रहे हैं और जो पबजी खेलना पसंद करते थे, या कुछ अल्ट्रा लेजेंड्स अभी भी खेलते ही होंगे, तो उनके लिए मैं ज़रूर बता देता हूँ कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपके पास बहुत जल्दी आ रही है अगर आप बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के लिए एक्साइटेड हो। गाइस, अगर आप अंडर 18 हो तो आप 3 घंटे से ज़्यादा दिन में गेम नहीं खेल सकते। अगर आप अंडर 18 हो तो आप इन गेम परचेजेस 7000 से ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आप अंडर 18 हो तो आपको अपना पेरेंट्स का फ़ोन नंबर या गार्डियन का फ़ोन नंबर गेम के साथ शेयर करना पड़ेगा, फॉर प्राइवेसी पर्पसेस, या ज़्यादा गेम वेम ना खेलो, कुछ भी हो सकता है भाई, अभी कुछ भी कंफर्म्ड नहीं हुआ है। और गाइस, ये तो बहुत सारी प्रॉब्लम आई रही है, लेकिन इसके साथ भी और भी प्रॉब्लम आ रही है जो मैं आपको बता देता हूँ। जो ई स्पोर्ट्स इवेंट होते थे ना गेम्स के अंदर, वो इंडिया में बहुत से कम होंगे, मतलब कम होंगे। और इसके साथ साथ जो आउटफिट होगी, वो पहले से कपड़े पहना हुआ बंदा होगा, मतलब जो करेक्टर होता था वो पहले कपड़े नहीं पहनता था, और इसमें करेक्टर जो है वो पबजी मतलब कपड़े पहन के ही रखेगा। और जो कल्चर वगैरह होगा वो इंडिया टोन से ज़्यादा मिलता जुलता होगा, और जैसे खून वगैरह आई थिंक ग्रीन हो जाएगा, काफ़ी सारे ऐसी चीज़ हो रही है। अभी इनका जो टीज़र निकला था, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी मैंने आपको इनका एक लैंड दिखाया था, वो भी मतलब ऐसा लग रहा है कि राजस्थान से मिलता जुलता, रेत वगैरह पूरा इंडियन कल्चर को लेकर बनाया जाएगा। और गाइस, अगर मैं आपको बता दूं, आप इंडिया के प्लेयर्स के साथ ही खेल पाओगे, मतलब जैसे पबजी में क्या होता था, आप होल वर्ल्ड के साथ खेलते थे, लेकिन इस वाली नई पबजी के अंदर या बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के अंदर आप सिर्फ मैच मेकिंग जो होगी इंडियन प्लेयर के साथ ही होगी, मतलब विद इन द सर्वर्स इंडिया में ही रहेगा, क्या कर सकते हैं। और गाइस, इसके साथ साथ एक और न्यूज़ आ रही है, जो जैसे होता था कि आप सर्वर अपना चेंज कर लेते पबजी के अंदर, मैंने खेला नहीं पर मैंने देखा है, तो आई नो जैसे आप अपने पबजी के अंदर सर्वर चेंज कर लेते थे, वो आप चेंज भी नहीं कर पाओगे, आप अनदर सर्वर के पास नहीं जा पाओगे, अगर गए तो आपकी आईडी बैन हो सकती है। तो ये तो थी कुछ दुख भरी कहानी। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जिसके लिए आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक करा है, कि यार बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की ऑफिशियल लॉन्च डेट क्या है। गाइस, अगर मैं आपको एक ये फोटो दिखा रहा हूँ, आप ये फोटो देख के पहचान ही जाओगे कि यार डेट क्या है, अगर आप कि जो आई क्यू लेवल है जो आसमान को छू रहे हैं। तो गाइस, ये फोटो जो आप इस समय अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, हेलमेट बना हुआ है, उसके आगे सनलाइट की रोशनी की तरह एक रिंग बनी हुई है, ये हमको दिखा रहा है सूर्य ग्रैंड सोलर एक्लिप्स के बारे में इंडिकेशन दे रहा है। और ये पहले भी काफ़ी सारी लीक्स आई थी कि जून में रिलीज होगी, तो 10 जून के आसपास, 10 जून को है सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रैंड, उस दिन हो सकता है कि ये मतलब लॉन्च हो जाए ये गेम। पर एक और न्यूज़ है कि इसकी जो प्री रजिस्ट्रेशन है वो मई में ही स्टार्ट हो जाएगी, मई के एंड में। गाइस, कैसा लगा सुन के लॉन्च डेट? यार अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप बैटल ग्राउंड में इंटरेस्टेड नहीं हो तो गाइस जो इंटरेस्टेड है उसको वीडियो जरूर शेयर कर देना। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।